पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, ऐसी 11 तस्वीरों की पूरी सीरीज है हमारे पास। तस्वीर में उत्तर प्रदेश का एक जाना पहचाना चेहरा है। दिमाग पर जोर डालिए और पता करिए ये कौन है। नहीं समझ पाए, ये है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य। इन तस्वीरों को दिखाने का एक खास मकसद है। तस्वीर में संघमित्रा मौर्य जिसके हाथों में हाथे डालकर खड़ी हैं, उसका नाम है दीपक के एस, यानी दीपक कुमार स्वर्णकार। दीपक खुद को संघमित्रा मौर्य का पति बताते हैं और इन तस्वीरों को सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। दीपक का दावा है कि बुद्ध धर्म के अनुसार उनकी और संघमित्रा की शादी साल 2019 में हुई। दोनों कई महीनों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। संघमित्रा मौर्य और दीपक दोनों एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते थे। संघमित्रा की शादी हो चुकी थी लेकिन पति को बगैर तलाक दिए वो दीपक के पास आ गई। घर में स्वामी प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में शादी की सारी रस्में पूरी हुई। संघमित्रा मौर्य की शादी पहले ही हो चुकी थी लेकिन दीपक कुमार स्वर्णकार से प्यार हुआ और अपने पति को बिना तलाक दिए वो दीपक के साथ लिव इन में रहने लगी। बाद में दोनों ने शादी कर ली। दीपक का दावा है कि वो मान्यता प्राप्त पत्रकार रह चुके हैं। संघमित्रा मौर्य और दीपक की शादी कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई, ये हम बताएं, उससे अच्छा आप खुद दीपक कुमार स्वर्णकार से सुनिए। मेरा नाम दीपक कुमार स्वर्णकार है। पिछले 5 वर्षों से मैं और संघमित्रा जी एक अपने निजी संबंधों में थे, लिविंग में थे, और 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा जी के मर्जी से, उनके कहने पर, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के घर में वृंदावन आवास योजना लखनऊ, उनके जन्मदिन के अवसर पे 3 जनवरी 2019 को मेरा उनका विवाह हुआ बौद्ध रीति रिवाज से। और संघमित्रा जी ने मुझसे ये कहा भी था कि ये शादी चुनाव के बाद हम पब्लिकली करेंगे। चूँकि हम दोनों साथ में काफ़ी दिन से थे, एक दूसरे को समझते थे, वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन पिछले 10 महीनों में क्या हुआ है, उनके मन में कौन सी बात आई है, उनके परिवार में कौन सी बात आई है, उनके पिताजी बाबूजी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मन में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। हालांकि बाबूजी भी अच्छे व्यक्ति हैं, हेल्पफुल नेचर के हैं, लेकिन मेरे प्रति उनके मन में क्या धारणा है मुझे नहीं पता। मैं बहुत स्तब्ध हूँ कि मेरे साथ 2 घटनाएँ ऐसी हुई हैं जिनके बारे में मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब मेरी उनकी शादी हो चुकी है, वो मेरी पत्नी है, बाबूजी से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं पिताजी कहता हूँ, जब पिता कहता हूँ तो वो मेरे साथ कुछ भी करेंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब पिता कह दिया तो फिर शिकायत किस बात की, उनका डांट फटकार, उनकी मार, जो भी है वो सब मेरे लिए आशीर्वाद है। हाँ, लेकिन 2 घटनाएँ मेरे साथ ऐसी हुई हैं जिस कारण से मैं ये अपने घर की बात बाहर तक ला रहा हूँ, जिसकी वजह भी संघमित्रा जी हैं। उनको मुझसे कोई शिकायत थी, कोई बात थी, वो मुझसे बताती, कहती, उसका समाधान होता। ये कोई उचित तरीका नहीं है कि 2-2 बार अप्रत्याशित रूप से आप मेरे ऊपर ऐसे ऐसे हमले कराएं जिससे मेरी जान जाने का पूरा खतरा बना रहा। एक बार मैं कोविड पेशेंट था, मैं सीवियर कोविड पेशेंट था, मैं 57 दिन बेड पे था, तब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि फोर्स भेज करके मेरा मोबाइल उठवाया गया शादी के साक्ष्य मिटाने के लिए। साक्ष्य संघमित्रा जी के पास पहले से मौजूद थे, हालांकि मेरे पास भी थे, तो वो साक्ष्य मिटाने के लिए वो हमसे कह देती जो भी बात थी, जो भी गिले शिकवे थे मुझसे, जो भी उन्हें आपत्ति थी, हालांकि मुझे उनसे कभी कोई डिमांड रही नहीं, ना मैंने कुछ लिया ना दिया। हाँ, साथ में रहे, उनका साथ ज़रूर दिया, उनके हर फैसले का स्वागत किया, वो जैसा चाहती रही मैं वैसा ही करता रहा। क्या मुकदमा है जो आप इस समय भी आपने पिटीशन लाया? दीपक कुमार स्वर्णकार हैं जो आए और उन्होंने कहा कि हम संघमित्रा जी से जो है मेरा विवाह हुआ है 2019 में और हम मई 2021 तक साथ में रहे, जिसके बाद कुछ आपस में डिस्प्यूट्स हुआ तो उन्होंने मुझे जो है घर से भगा दिया। जी, ये संघमित्रा मौर्य कौन है और क्या इनका पहला विवाह था कि दूसरा विवाह है? नहीं, ये
विवाह तो दूसरा है उनके बताने के अनुसार। उन्होंने बताया कि 2021 तक ये था कि हमें डिवोर्स हमारा फाइनल हो जाएगा, लेकिन मैरिज उन्होंने 2019 में ही कर लिया था। बाद में क्वेश्चन आया कि हम इसको बाद में पब्लिक पटल पे ले आएंगे, अभी जब तक मेरा डिवोर्स ना हो तब तक इसको ओपन ना किया जाए। फिर दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ, फिर मई 10 मई से लेके जो है अब तक उसको कंटिन्यूस ये लोग हरेस कर रहे हैं, इस तरह की बातें उसने हमें बताई। और उस पर हमने पिटीशन किया, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उस पर इंक्वायरी बैठाया, कहा कि आप कमिश्नर से हम रिपोर्ट मंगाते हैं। पुलिस कमिश्नर ने उस पर रिपोर्ट भेजा, फिर इसके बाद कहा कि उसको एफिडेविट पे ले आओ आप, और नेक्स्ट डेट जो है नेक्स्ट वीक में लगेगा। दीपक का दावा है कि संगमित्रा का मन जब उनसे भर गया तो उन्हें साइड करने के लिए तरह तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया, उन पर हमले करवाए गए। दीपक ने कुछ दिनों पहले एक फेसबुक पोस्ट लिखा, इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनकी जान को खतरा है। दीपक के पोस्ट में क्या था ध्यान से समझिए। मैं छठ पूजा के उद्देश्य से पडरौना कुशीनगर के एक होटल सिद्धार्थ इन में रुका हूँ। स्वजनित अकारण उपजे मनमुटाव की भावना से सांसद श्रीमती संगमित्रा मौर्य के गनर और कुछ अन्य स्थानीय पुलिस वाले मेरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जान को खतरा है, कुशीनगर पुलिस अधीक्षक मेरी जान की रक्षा करें। अगर मेरी हत्या होती है या मुझे और मेरे परिवार को किसी तरह के फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है या किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और उनकी पुत्री श्रीमती संगमित्रा मौर्य सांसद बदायूं की होगी। इसके ठीक कुछ ही दिनों बाद जब दीपक की कहीं सुनवाई नहीं हुई और उन्हें लगा कि अब वो टॉर्चर नहीं सह पाएंगे तो आखिर में उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में उन्होंने ये सारी बातें बताई, साक्ष्य भी रखे। खैर, हम इस पर रोज कुछ न कुछ अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, अभी कुछ और खुलासे होने बाकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में जो भी फैक्ट दिखाए गए हैं वो दीपक ने कोर्ट के सामने भी रखे हैं और हमें भी भेजा है। हमने संगमित्रा मौर्य से भी कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिशें की लेकिन उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है।